Hi friends, welcome to the treatment channel. Today in this video we will be learning about administrative tribunals. तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर administrative tribunals क्या होते हैं और इसके सारे इसके बारे में बहुत सारा information. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट ट्राइब्यूनल्स होता क्या है. ट्राइब्यूनल्स आर दोज थिंग्स लाइक दिस आर लाइक द कोर्ट्स. कोर्ट का जो भी काम होता है उसको उसी तरह का काम होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का भी. ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में जो भी कोर्ट्स है कोर्ट्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है, बहुत सारे केसेस का प्रेशर रहता है, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, और इसके ऊपर अगर बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कुछ भी केसेस अगर उसके ऊपर चढ़ जाए तो जो जुडिशियल बॉडी है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन जाएगा. तो इसके लिए बहुत डिले होगा जजमेंट होने में. तो ये ट्राइब्यूनल्स क्या होता है, ट्राइब्यूनल्स एक्चुअली होता है बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही कम समय लेके जजमेंट सुनाने की एक बॉडी. ये क्वाशी जुडिशियल बॉडी है. ठीक है, पूरा कंप्लीट जुडिशियल बॉडी नहीं है, ये क्वाशी जुडिशियल बॉडी है और ये बनता है एक स्पेशल एनैक्टमेंट के माध्यम से. मतलब लेजिस्लेचर एक लॉ पास कर देता है कि ये जो बॉडी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर अपना ट्राइब्यूनल्स रख सकते हैं. तो ऐसा एक स्पेसिफिक एनैक्टमेंट के बाद लेजिस्लेचर के द्वारा एक क्वासी जुडिशियल बॉडी एज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल काम करते हैं. ठीक है, एक्चुअली इसका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग द हैवी बर्डन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के ऊपर जो भी बहुत सारा बर्डन रहता है, बहुत सारा केसेस का, पेंडिंग केसेस का बर्डन रहता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको घटाने के लिए ये ट्राइब्यूनल्स क्रिएट किया जाता है, ट्राइब्यूनल्स को बनाया जाता है. तो ये ट्राइब्यूनल्स का कंसेप्ट आया कब से, तो ये आया 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पर, उसके बाद आया. ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ये आर्टिकल 323 एवं 323B 23A एवं 23B में इसको इंक्लूड कर दिया गया. ए में दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और अदर ट्राइब्यूनल्स है 233B के अंदर. तो ये पार्ट 14A के अंदर इंक्लूड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. और ये जो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था ये इंदिरा गांधी के टाइम पर, जब नेशनल इमरजेंसी चल रहा था. ठीक है, ये जो दौर था ये नेशनल इमरजेंसी का टाइम था, जिस टाइम में जो जुडिशियल बॉडी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था, इसके कारण इसको अमेंड कर दिया गया लेजिस्लेचर के द्वारा. और पहला जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना था वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो 1985 में बना था. ठीक है, ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बना था. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना था जो 1985 में. ओके, और ये जो टाइम पीरियड था ये था राजीव गांधी का टाइम पीरियड. ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसको समझने के लिए, मतलब ये जो डिटेल में समझने के लिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को देख लेना है कि ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक साइड में है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, दूसरे साइड में कोर्ट. तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या है, तो ट्राइब्यूनल्स कैन बी डिस्क्राइब एज ए माइनर कोर्ट. ये एक माइनर कोर्ट है, मतलब कोर्ट के जैसा ही काम करते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं है. That adjudicate dispute of special cases. और ये जो administrative tribunal है ये सिर्फ और सिर्फ special cases के बारे में lead करता है. ठीक है, deal करता है special cases को लेकर. और यहाँ पे court में क्या होता है, it is a part of legal system. हमारे इंडिया का legal system जो है, इंडिया का legal system का पूरा ये एक part है court. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अंदर और भी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, सभी को एक साथ कोर्ट या जुडिशियरी के नाम से बोला जाता है. और इसका काम होता है डिसीजन देना, मतलब जजमेंट देना सिविल और क्रिमिनल केसेस के ऊपर, और यहाँ पे सिर्फ स्पेशल केसेस में ऐसा होता है. ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और कोर्ट जो है ये एक कंप्लीट जुडिशियल बॉडी है. राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं, डील विद द स्पेशल केसेस. और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केसेस के ऊपर चर्चा होता है. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे रेलवे, और इसका बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का उदाहरण भी मैं दूंगा इसके बाद में. तो पहले ये इसको समझ लेते हैं, डील्स विद द स्पेशल केसेस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर जो भी उदाहरण मैं दूंगा उसके ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब उससे रिलेटेड केस यहाँ पे चलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर. और यहाँ पे कोर्ट के अंदर, कोर्ट डील्स विद वैरायटी ऑफ केसेस. कोर्ट में तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जितने भी तरह के केसेस होते हैं वो कोर्ट के अंदर, कोर्ट के माध्यम से डील किया जाता है. नेक्स्ट है डिसीजन आर कॉल्ड अवार्ड्स. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो भी डिसीजन देते हैं उस डिसीजन को अवार्ड बोला जाता है, अवार्ड बोला जाता है. ठीक है, और यहाँ पे डिसीजन जो कोर्ट देता है उसको बोला जाता है डिक्री, जजमेंट, ऐसा एटसेट्रा बहुत सारा होता है, तो ये बोला जाता है. ठीक है, डिक्री और जजमेंट यही सबसे प्रचलित है. नेक्स्ट देखते हैं, डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल टोटली डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर, क्योंकि देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल तभी बनता है जब कोई भी लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर लॉ बनाता है और बनाने के बाद ये कहता है कि ये सिर्फ
ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पावर दिया जाता है कि वो एडजुडिकेट कर सके किसी स्पेशल केसेस को लेकर, तो तभी उसके पास पावर जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्रिएट करने की। नहीं, लेकिन यहाँ पे कोर्ट में, कोर्ट एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है और यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी किसी का डिपेंडेंसी नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही लेजिस्लेचर के ऊपर, ना ही जुडिशियल के ऊपर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। तो यहाँ पे जुडिशियरी जो है ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट बॉडी है और यहाँ पे लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड किया हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ओके, नॉट परमानेंट इन नेचर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये परमानेंट नेचर का नहीं है, तो इसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, कभी भी क्रिएट किया जा सकता है ऑन डिमांड। ओके, और यहाँ पे देखिए कोर्ट जो है, कोर्ट एकदम परमानेंट नेचर का होता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता किसी भी बॉडी के माध्यम से, ठीक है। और ए ट्राइब्यूनल मे बी अ पार्टी टू द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, स्पेशल केसेस जो है वो डिस्प्यूट मान लो कि हो सकता है कि उसी ट्राइब्यूनल के संबंध में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट के मतलब कोर्ट के जजेस के विरुद्ध में कोई भी केस नहीं हो सकता। कोर्ट जजेस आर इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर कैन नॉट बी अ पार्टी, मतलब मान लो कि दोनों के बीच में मुकदमा चल रहा है, ठीक है, तो ये एक पार्टी तो बन सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के लिए। हम बता रहे हैं कि ये मान लो ये आप है, आप किसी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में ही मतलब केस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल देखिए रेलवे अथॉरिटी हो सकता है, बहुत सारे अथॉरिटी हो सकता है, तो उनके विरुद्ध में आप केस कर सकते हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर कोर्ट के विरुद्ध में केस नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि ए ट्राइब्यूनल मे बी अ पार्टी टू द डिस्प्यूट, ट्राइब्यूनल में एक ट्राइब्यूनल ही खुद एक पार्टी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट में जो जजेस है, जजेस एक इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर है, ठीक है, तो इनके विरुद्ध में कोई केस नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को, चेयरपर्सन और अदर जुडिशियल मेंबर, चेयरपर्सन और अदर जुडिशियल मेंबर इसको कंट्रोल में रखते हैं, और कोर्ट किसके माध्यम से होता है, जजेस और मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आपको बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कौन कौन सा होते हैं, और यहाँ पे आपको और एक चीज बता देता हूँ कि आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दिया गया है और 227 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर दिया गया है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के ऊपर देख रेख करने के लिए, ठीक है, और इसका डिस्प्यूट का अगर समाधान नहीं होता है तो ये जो केसेस है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है, मतलब कौन कौन सा ट्राइब्यूनल से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अंदर फॉल करता है, एक होता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल, मतलब जो भी इलेक्शन रिलेटेड केस होगा तो यहाँ पर सॉल्व होगा, और दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, रेवेन्यू ट्राइब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, रेलवे ट्राइब्यूनल, और इनकम टैक्स, पंचायत कोर्ट, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेटर हो गया। तो और कौन कौन सा चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर फॉल नहीं करेगा, वो है डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल, मिलिट्री ट्राइब्यूनल, प्राइवेट आर्बिट्रेटर और कस्टम ऑफिसर, ये सारे जो है और भी बहुत सारे हैं, तो ये सबको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर फॉल नहीं करता है, ठीक है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हमने जो बताया वो ये सारे है, जैसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल, जैसे कि मैंने बता दिया ये सब। और फाइनली और एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑल कोर्ट्स आर ट्राइब्यूनल्स, कोर्ट जो होता है सभी ट्राइब्यूनल्स होते हैं, बट ऑल ट्राइब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि कोर्ट जो है, कोर्ट हर टाइम एक ट्राइब्यूनल की तरह ही काम करते हैं, लेकिन जो सारे ट्राइब्यूनल जो है वो कोर्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये एक कोटेशन देकर मैं खत्म करता हूँ हमें इस लेक्चर को। तो ये लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक दे देना, साथ साथ कमेंट भी कर देना आपका, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, एंड इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, and bye bye for now, see you on the next video, thanks for watching.